हम लोगों ने एलसीएम और एससीएम को पढ़ लिया था और प्रश्नों को भी लगाना भी सीख लिया था। बहुत सारे टाइप के प्रश्न बनते तो उतना आपको सॉल्व कराना समस्या हो जाती कि कितने दिन तक हम लोग एलसीएम एससीएम पढ़ेंगे। आज हम लोग एक काम करते हैं, आज हम प्रश्नों को सीरीज उठाते हैं और ये देखते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो किस तरह से लगेंगे, क्योंकि पढ़ना और परीक्षा में प्रश्न आना दोनों अलग अलग तरीके होते हैं। हम यहाँ पढ़ कर जाते हैं, जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो हवा हवाई उड़ जाती है, लगता है सॉल्व कैसे होगा, लगेगा कैसे। उस दशा में आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बातें हम पहले बात प्रारंभ में बता दें, फिर हम 30 प्रश्नों की सीरीज को अलग अलग टाइप के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक पहला टाइप है, यह पहला समस्या आपके सामने ये आएगी कि एक प्रश्न आपको दिया गया है, जैसे दिया है 16 और 24, अगर इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 48, जो 48 है वो 16 और 24 के गुणनखंड से भी कटेगा। 16 गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, इनके गुणनखंड से भी क्या होगा 48। अगर 24 की बात करें तो 8 × 3 अगर ये बना तो इसके गुणनखंड से भी क्या होगा, ये विभाजित होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये हमने यही सीरीज से प्रारंभ किया था। अगर इसका एससीएफ निकालते हैं हम, इसका एससीएफ 8 है, 8 माने इसके गुणनखंड से भी ये दोनों संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। एससीएफ के गुणनखंड से भी दी गई संख्याएं विभाजित होंगी, बस इतना बात आपको पता होना चाहिए तब ट्रिक काम करेगा। ठीक, थोड़ा समझने का प्रयास करा करिए, उसमें प्रश्न बनाने की नहीं, पहले सीखने का प्रयास किया करिए। यह इसको विभाजित करेगा और यह इससे विभाजित करेगा, एलसीएम विभाजित होता है और एससीएफ विभाजित करता है। ठीक, अब आइए प्रश्नों के सेज को देखते हैं। अब आपने अभी तक कहा था कि सर ट्रिक नहीं समझ में आ रहा, अब ट्रिक समझ में आएगी। उसके पहले हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया था, विभाज्यता का नियम, अगर वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो एलसीएम का कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे। क्या सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में, कितने सेकंड में, 10 से 15। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न बोलते चल रहे हैं, इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध भी करा देंगे। अगर आपने नोट्स लिया होगा तो आपके नोट्स में यह प्रश्न है, क्योंकि नोट्स की हूबहू मैं प्रश्न बोल रहा हूँ। कह रहा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, लिखते रहिए, लिखना तो लिख ली नहीं आपके पास, पढ़ाइए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 8, 15 और 24 से, जो 8, 15 और 24 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो या पूर्णतः विभाजित हो। कितने कितने से, 8, 15 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। विकल्प दिया गया है आपका 3600, मतलब विकल्प ए, विकल्प बी क्या दिया गया है 1440, विकल्प सी, विकल्प डी 120, और विकल्प डी क्या दिया है 14400। अब इसमें लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों विधियां देखते हैं, दोनों विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, जो 8, 15, 24 से कटेगा तो 8 से कटेगा और 24, ठीक, 24 गुणनखंड क्या होगा 8 × 15 का क्या होगा 5 × 8 का 8। माने जो संख्या 8 से भी कटे, 5 से भी कटे, 3 से कटे, वही में से इसका एलसीएम होगा, लेकिन साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी। तो हमें दिखा कि विकल्प सी पूर्ण वर्ग नहीं है, 120 पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये विकल्प हो ही नहीं सकता। अब क्या बचा, विकल्प ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब विकल्प ए सही हो गया तो विकल्प डी। तो जब इस तरह का प्रश्न आए एलसीएम एससीएफ में, चलिए देखते हैं किस विकल्प चेक करें, जिससे आप कहेंगे उसे चेक करेंगे, क्योंकि हमें उत्तर पता है, फिर भी आप कहेंगे चेक करेंगे। अब इसको चेक करते हैं, या इसको चेक करते हैं, छोटा ये बड़ा ये, पहले छोटे को चेक कर लेते हैं। तो 3600 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, फिर ये क्या कटेगा 8 से, 3 अंक देखते हैं, 8 × 7 = 56, 4 × 8 = 40 कट जाएगा। इसका मतलब आपका विकल्प ए सही है। इसका मतलब क्या है, विकल्प ए सही है। आप बिना मेहनत के आपने क्या किया, प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। अब तरीका क्या है, मेथड क्या है, पहले हम इसका एलसीएम निकालते, 8 का निकालते 2 × 3, 15 का निकालते 5 × 3, 24 का निकालते तो 2 × 3 × 3, तो ये क्या होता 2 × 3 + 5 × 3, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं हम 2 × 2 × 2, क्योंकि हम ये 3 बार दिया ऐसे मान लेते, 3 बार, ये 5, ये 3। पूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे, सबका जोड़ा बनना चाहिए, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो क्या करेंगे 2 × 5
गुणे तीन, अब आ जाएगा 36। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, बस पूर्ण वर्ग हो गया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उसका जोड़ा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका जोड़ा बना देंगे, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो मेथड में सीखिए, मेथड हम पढ़ा चुके हैं, अब आप लोग क्या सीखना है, ट्रिक सीखना है, ये तुक्का कैसे लगाएं, एलसीएम एचसीएफ में तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का के लिए पांच चीजें आपको आनी जरूरी है, विभाज्यता का नियम, एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, हो गया। अगले प्रश्न में बढ़ा जाए, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए आते हैं लिखते हैं, इसको इरेज करें, समझ में आ गया, घर पे जाइएगा फिर से दोबारा से एक बार प्रयास करिएगा, मतलब एलसीएम एचसीएफ में तुक्का कैसे लगाएं, यह भी एक विधि आपके सामने है। कह रहा वो छोटी छोटी संख्या क्या है जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूरी पूरी विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। विकल्प ए 8,181,100, विकल्प बी 17,640, विकल्प सी, आप लोग बोलते रहे, आप लोग के पास भी तो है, 44,100 ऐसे बोलेंगे भैया, विकल्प डी 62,500। आइए अब हमें जानते हैं कि जो संख्या इससे विभाजित होगी माने एलसीएम निकालना है। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गया, 3, 4, 7, 10, 12 से कटना चाहिए, ठीक। तो 10 से विभाज्यता का नियम सरल है, 3 की विभाज्यता का नियम पहले चेक करते हैं, ठीक। जो 3 से कटना भी चाहिए, तो 3 से कटने के लिए हमने ये देखा कि 8, 1, 9 ये 3 से कट जाएगा, 7, 1, 8, 6, 14, 4 3 से कट जाएगा, 4, 4, 8, 1, 9 कट जाएगा, 6, 2, 8, 5, 13 यह 3 से नहीं कटेगा, अर्थात यह विकल्प गलत, यह सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से यह कटेगा जिसमें से कोई भी एक 3 से कटना चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई एक सही। अब 4 से भी सब कट रहे हैं, अब हमें चेक करना है 7 से, किससे चेक करना है, 7 का नियम हमने बताया था उस दिन कि लास्ट के 3 अंकों का डिफरेंस बचे हुए अंकों, लास्ट के 3 अंक बचे हुए अंकों का डिफरेंस यदि 7 से विभाजित होती है, संख्या भी क्या होगी, कट जाएगी। 3 अंक कितने इसके, तो 100 में से 8 गया कितना हुआ 92, 7 से कटेगा, 7, 1 का 7 नहीं कटेगा, विकल्प कट। ये 3 अंक कितना है 600, 17 गया कितना बचेगा 600, 10 गया 30, फिर 7 गया 13, 613 होगा, 7, 8, 56 7, 8, 56 कितना बचेगा 5, 53 नहीं कटेगा, यहाँ देखते हैं, हाँ अच्छा ये 100 में से 44 गया कितना होगा 56 और 7, 8, इसका मतलब विकल्प क्या है सी सही है, क्यों, क्योंकि ये 12 से कटेगी, 12 क्या है 4 और 3 से, जो संख्या 4 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या 12 से भी कट जाएगी, इसका मतलब विकल्प क्या आपका सी, क्या हो गया विकल्प सी, बिना लगाए आप जान लें, मुझे प्रैक्टिस है, मुझे 3-4 सेकंड लगते 5 सेकंड, लेकिन आपको मेहनत करनी है, यह तुक्का लगाने का तरीका, मतलब आपको प्रश्न नहीं आता केवल तो इतनी बातें पता होनी चाहिए कि एलसीएम कैसे विभाजित होगा, एलसीएम निकलता कैसे, कोई समस्या किसी को, कहां सर आपने चार्ज क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 0 हो, 40 हो, 00 हो, ये 4 से कट जाएगा, 3 से मैंने चेक ही कर लिया था, बचा क्या 7 से कई वाले कई कटा, समझ में नहीं समझ में, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा भैया, बड़ा सा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना हो, मतलब ऐसा नियम आपने बहुत सारे कोचिंग ज्वाइन किया होगा, आज पहली बार पढ़ा, अभी ऐसे पूरा अध्याय खत्म करेंगे, ये केवल एक अध्याय की बात नहीं कर रहे, अरे स्क्रीनशॉट मारिए या तो इसको लिखिए, 600 कोई बात नहीं, तभी नहीं कटेगा ना, ये 7 से 12 तक नियम ही सीख लिया आपने, उस दिन छोटा हुआ था आज कवर हो गया, अब सारा विभाज्यता का नियम काम करेगा यार, मैं पढ़ाते समय बताया था उस दिन कि विभाज्यता का नियम काम करेगा, आपका समय बच जाएगा, और उसीलिए तो आप यहाँ आए हैं, वरना बहुत सारी दुकानें हैं।
तबीयत का भट्टा बैठा दिया है। आगे बढ़ा जाए बेटा, इसको अरेंज करें ना। देखिए ये सारे ट्रिक्स अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर परीक्षा में स्कोर कैसे करेंगे? वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता लगाने के लिए। अभी तो हद है, जो मैंने बताया था पांच अंक की बड़ी बड़ी संख्या वो लगाने में बड़ा टाइम लगता है, वो भी देखिए हम लगाएंगे जुगाड़े से। निम्नलिखित में से प्रश्न दिया है कि दो घाते तीन, दो घाते तीन, दो घाते चार और दो घाते फिर चार तथा तीन का लस क्या होगा? अरे वाह, बड़ा बढ़िया है प्रश्न, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे बड़ा घात कहाँ है? दो घाते गुणे तीन। अब इसमें दिया है विकल्प, एक विकल्प सी, विकल्प बी, डायरेक्ट ऐसे दिया है ये मैंने पढ़ाया आपको। अब इस तरह से प्रश्न अगर आ जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका लस कैसे निकलेगा, मतलब वो क्या किया है। वो ऐसे ना देखे, ये दे दिया आठ सोलह सोलह, तीन कैल्सियम पूछ देता और डायरेक्ट गुणनखंड में दे दिया। हम जानते हैं जब इस तरह से कंडीशन आएगी तो क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले गुणनखंड लिखेंगे, जो जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी और जिसका नहीं होगी लिख देंगे। मैंने ये पढ़ाया है, बताया है। अब इस तरह से परीक्षा प्रश्न आ जाए जो लसा मसा पढ़े वो परेशान हो जाएगा, इसका लसा क्या होगा। और उत्तर में भी क्या दिया है, यही वाला सही है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये हमारे नोट्स में भी, अगर आपने नोट्स हमारे लिए होंगे तो आपको ये मिले होंगे। ये प्रश्न एक तरफ से क्रम से पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, परीक्षा समय बचाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, आगे बढ़े, इसको मिटा दिया जाए ना, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अच्छा, सब लोग सोचते होंगे हेलो लेकर बैठे, नहीं प्रश्न की सीरीज लेकर बैठे हम लोग। देख रहे हैं, खाली प्रश्न ही है, जो पीढ़ी वाक में जो पीढ़ी हम भी ओपन किए हैं। कह रहा है कि पांचवा ना, नहीं चौथा, अच्छा फिर वही चीज दे रहा है, मैसे पूछा है। कह रहा है दो घाते तीन, फिर क्या कह रहा है, दो घाते चार गुड़े पांच, फिर कह रहा है दो घाते दो गुड़े तीन, थोड़ा आप लोग बोल देंगे तो आसानी हो जाएगी, गुड़े पांच घाते दो, फिर दो घाते पांच गुड़े सात का मैसा क्या होगा। भैया मैसा के लिए आप तो जानते हैं एक छोटा सा नियम काम करेगा, जो सबसे छोटी जिसकी घात होगी वही उसका मैसा होगा। तो हमें दिखा दो घाते तीन है, चार है, तीन है, पांच है, दो घाते, बस बात खत्म। इसका हैसियत क्या होगा, स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे स्क्वायर है, कोई बात नहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। आप लोग क्या सेकंड लगेगा, मुझे तो लगता है कि प्रश्न देखना है आपको, बस सॉल्व नहीं करना है इसको। जो सबसे छोटी घात होगी भाई उसका क्या होगा, एससी आप उसका मैसा होगा। अरे मुश्किल से तीन सेकंड का काम है, तीन सेकंड का काम है। मुश्किल से तीन सेकंड लगेंगे बस। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को गणित? आप नहीं समझ में आएगा तो फिर कभो नहीं समझ में आएगा। हाँ वो तो मैसम बताया, लसम बड़ा बड़ा वाला, जो छोड़िए उसको भी लपेट लीजिए। हाँ अब सेकंड में लगेगा, मिनट में नहीं सवाल लगेगा। अब अगला है दो घाते आठ, आठ घाते पांच तथा दस घाते इक्कीस का एलसीएम क्या होगा। ऊपर एलसीएम निकालेंगे तो दो आठ, दो आठ दस का जो एलसीएम होगा वो चालीस होगा, क्या होगा अब निकाल के दिखेगा। फिर आठ पांच इक्कीस का जो एससीएफ होगा वो एक होगा, तो बराबर चालीस। इसका उत्तर क्या होगा, चालीस। अब कैसे कह दिए सर चालीस होगा, अब आते हैं देखें बिना पेन उठाए कैसे जानेंगे। देखिए विकल्प ए क्या दिया है, चालीस, विकल्प बी क्या दिया है, तेरह सही एक बटा तीन, फिर ऊपर क्या दिया, एक दिया है डी एक सौ, फिर क्या दिया डी, दिख रहा है ना सैंतीस, उसमें दिख रहा था नहीं, ये दिख रहा था। अब देखिए ये दो से कौन कौन संख्याएं कटेंगी, इसको लिख सकते तेरह उनतालीस एक चालीस बटा, ये कटेगी, ये कटेगी चालीस, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, विकल्प कट। आठ से कौन कटेगा, दस से कटेगा, ये भी कटेगा। अब इनमें छोटा कौन है, मसा में आते हैं, तीन से कटेगा कोई,
ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये विकल्प कट, बचा 120 और 40। तो छोटा कौन सा है? विकल्प सी। इसका मतलब विकल्प सी। ऐसे भी, ऐसे भी। नहीं आया, नहीं आया समझ में? ये इससे कटना चाहिए। तो हमने ये देखा, एक बार और समझा दे इसको। लिख सकते 13 3 39 से क्या लिखेंगे? 40/3। तो ऊपर का लसा निकलेगा नीचे का, इससे ये विभाजित होना चाहिए तीनों। अगर मैं ऐसा है इसका, तब ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा, इसका मतलब ये विकल्प गलत है। 37 है, किसी अंश से 37 नहीं कटेगा, तो वो भी नहीं है कि अंश का एलसीएम होना चाहिए ना। 120 कटेगा, 40 कटेगा, 2 से 8 से 10 से, तीनों से 120 कटेगा और 40 कटेगा। उसका उत्तर क्या होगा? 40 नहीं है तो 2 8 10 कल से निकाल लो भैया, काम सेट क्लियर हो जाएगा। वो भी विधि है, ये भी विधि है, जो आपको समझ में आए वो विधि लगाइए। समझ में आ रहा है? सीख लीजिए, गणित बहुत पढ़ेंगे लेकिन ऐसे गणित। हाँ, यहाँ पे 3 15 यही वाला अगले। अच्छा अच्छा, 3 15 की, चल भैया बदल देते हैं भैया, ये 3 15 की बता रहे हैं, ये सवाल यही है, विकल्प यही है ना, तब तो उत्तर बदल जाएगा। देखिए उन्होंने कहा कितना था ऊपर, अच्छा यहाँ 3 है या 15 है यहाँ, अब तो आओ मजा आएगा। अब देखिए ये 3 15 21, इसका गुणनखंड क्या होगा? 3 × 1, 3 × 5, 3 × एचसीएफ क्या होगा इसका? क्योंकि इसका बटा तो 3 कन्फर्म, आंसर का नहीं पता, तो किसका बटा 3 है? केवल विकल्प बी का, केवल विकल्प बी का बटा 3 है आंसर, चाहे जो हमसे क्या मतलब। अंश का भी निकालना है, अंश का भी निकाल दीजिए भैया, अंश का एचसीएफ निकालेंगे, ये 13 3 39 से 40/3, ये 40 कटेगा, कटेगा यहाँ 40। चलिए अच्छा, वो आपने बता दिया, दोनों विधि सीख लिया आपने, गलत सवाल से भी आपने सीख लिया और सही से भी सीख लिया। अब कोई समस्या? अगला भी ऐसे है क्या? रेज करें, आगे बढ़े, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, छठा सवाल, ये पांचवा था ना, अब छठे पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि 3/4, 3/4, 4/5 तथा 7/7 का एचसीएफ क्या होगा? हम जानेंगे इसका एचसीएफ निकलेगा, नीचे का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। अब विकल्प दिया है ए 84, बी दिया है ए, सी दिया है 7/5, डी दिया है 1/60। अब इसमें से विकल्प का चयन करना है। अब भैया 3 4 7 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? क्योंकि ये 3 अलग संख्या, 4 अलग संख्या, 7 अलग संख्या, सा इसका एचसीएफ 1 होगा। अब हमें नहीं लगता आपको उत्तर बताना पड़ेगा, जिसका अंश 1 है वही आपका उत्तर। नहीं तो भैया इसका एलसीएम निकालिए, ये 60 है, 60 का गुणनखंड करेंगे तो 15 चौका, इसमें कौन सा विकल्प हार है जो 15 4 दोनों कटे? केवल यही है। इसका मतलब आपका विकल्प केवल केवल डी सही है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी क्लास पूरी पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने पढ़ाया आपके क्लास में, वो अगर नहीं पढ़े तब ये काम नहीं करेगा। वास्तव में गणित इतनी आसान जितना आपने कभी सोचा नहीं था, वास्तव में उतनी आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। नोट्स इसलिए हमने आपको दिए, इसमें 60 60 क्वेश्चन हैं, आप उसको सॉल्व करिए, लगाइए, जब तक लगाएंगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है नोट्स का। हो गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई समस्या? गणित सीख रहे हैं आप लोग? अगले प्रश्न क्या था बताइए भैया आप लोग? ये डिजिटल बोर्ड होता फायदा होता, प्रश्न आता जाता, हम लोग सॉल्व करते चलते। अच्छा आगे आप लोग, अब आप लोग लगाइए, आपका रेणुवृत्त सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? चलिए भैया देख लेते हैं, ये तो गलती से प्रिंट हो गया, ये भिन्न का प्रश्न है। क्या कि 7/8 / 6/10
सात, ये चार बट्टा पांच, फिर पांच बट्टा छः, इसके लिए भी दो तरीका। पहला तरीका इसका एलसीएम निकालिए, दूसरा तरीका इसमें से भाग दीजिए। अगर इसको भाग देंगे तो पहले दसमलव लग जाएगा, ठीक है, सत्तर हो जाएगा, सत्तर हो जाएगा तो आठ, ये सत्तर हो जाएगा, सत्तर आठ का पाला पड़ेंगे तो आठ अठे छः बचेगा, कितना बचेगा छः, फिर आठ सत्ते छप्पन, इसमें आते हैं, यहाँ दसमलव लग जाएगा, ये साठ हो जाएगा, सात अठे चार हो जाएगा, चार चार मतलब सात पचे पैंतीस, यहाँ आते हैं पाँच से भाग देंगे दसमलव लग जाएगा, पाँच अठे यहाँ छः से देंगे पचास हो जाएगा, तो छः अठे अड़तालीस दो हो जाएगा, छः तेरे अठारह, सबसे बड़ा कौन सा है? इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बस बात खत्म, क्लियर। कौन एलसीएम हर और निकाले, लसा बराबर करे, हमको तो नहीं आता करने में, भाग दे दीजिए ना। और उसके लिए मैंने पहले बताया था कि भैया मेरी क्लास में आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना चाहिए। अब अलग बात है, आपकी ये विधि ये सीखा रही है ना, फंस जाएंगे चक्रव्यूह में। ये समझ में आया? अगर आपने 350 सॉल्व कर लिए, इसका मतलब आपका ये अध्याय एकदम पूरी तरह से क्लियर। इसमें हर किस्म का मसाला है, चाट का, छोले वाला, हाँ पनीर वाला, सब मसाला है इसमें। आगे वाला प्रश्न देखिए, इसको रेज करें। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जब बड़ी से बड़ी कह दी इसका मतलब मैस, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें यदि 177 और 285 में भाग दे तो प्रत्येक दशा में तीन की कमी रह जाए, माने 177 और 285 में जब भी भाग दिया जाए तो क्या रह जाए, तीन की कमी खले। अब विकल्प क्या क्या दिया है, विकल्प ए 18, विकल्प बी 27, विकल्प डी 36, सॉरी सी, हाँ सी 36, डी 45। ये तो बड़ा रोचक प्रश्न है। अब क्या करेंगे, तीन की कमी रह जाती, जब कमी की बात करेगा इन्हीं में तीन जोड़ देंगे, 177 में तीन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 285 में तीन जोड़ेंगे तब 218। अगर मान ली तीन घटाते तब कितना होता, ये आपका मिलता कितना 74, और ये कितना मिलता 82 ना, लेकिन हम इसका क्या करें, कमी है तो जोड़ देंगे, ठीक। अब भाग देके चेक करिए निम्नलिखित किस संख्या से कटेगा, ये दोनों निम्नलिखित में से किस संख्या से कटेंगे, अगर इनका गुणनखंड देखा जाए तो ये हो जाएगा 18 दहा में 180, माने 9 × 2 × 10, जिसके लास्ट में 180 है, तो ये 18 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है अभी 18 की ओर, 27 से नहीं कटेगा, 27 के लिए देखेंगे, इसके लिए 9 से कटिए, 9 से कट रहा है, तीन से भी कटना चाहिए। अब आते हैं 288 का देख लेते हैं, अगर इसका गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, किसी को पता है? 4 × 72 क्या है, 4 × और फिर है ये 8 × 9। अब इसमें से देखिए कौन कौन संख्या है ऐसी जो 8 और 9 से कट रही है, या इनसे इसको काट रही है, सीधी सी बात, 18 इसको काट रही है, 18 इसको भी काट रही है, सबसे बड़ी की बात कर रहा है, 27 को नहीं काट पाएगी, ये विकल्प गलत, 45 इकाई का 5 है, इस पर 5 होना चाहिए, 9 × 5 45 नहीं होगा, अब आपका होगा चाहे 36 या 18, तो बड़ी से बड़ी पूछा है तो 36 से ये है गुड़े का होगा 9 × 4, ये देखिए 4 से कट रहेगा, कट जाएगा 4 से, क्यों, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 9 × 2 × 2 ×, माने 9 × 4 = 36 + 5 = 180, इसका मतलब विकल्प आपका क्या है, सी सही है।
और तोड़ के बताएं, नहीं कुछ समझ में आएगा तो तीन जोड़ दिए कितना होगा, 180 और 288 का एस सी एफ निकाल दीजिए, जो एस सी एफ होगा वही आपको उत्तर। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिए। आप समझ में आ रहे तुक्का कैसे लगाएंगे? तुक्का लगाने के लिए क्लास लेनी पड़ेगी और हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है। ठीक, अब आराम से तुक्का लगाइए, आराम से पढ़िए। अब आरसी ब्रांच में दिवाली के बाद से नई बैच का उद्घाटन भी कर दिया जाए। एक नई बैच और जो आना चाहे आ जाए क्रैश कोर्स में। ये हो गया, आगे प्रश्न क्या आप लोग आगे देख भी लेते होंगे, हम आगे देख भी नहीं पाते जिसका कारण ये समझाना पड़ जाता है। चलिए आगे देख, एक 7 नंबर प्रश्न था, 8 नंबर बढ़े, इसको अरेंज कर दे। प्रश्न के 8 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 63, 77 और 112 से भाग दे तो क्रमशः 3, 5 और 4 शेष बचते हैं। बड़ा खतरनाक प्रश्न, कैसे लगेगा ये? ये तो हमने कभी लगाया नहीं, इस टाइप का पढ़ाया भी नहीं आप लोग को। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 63, 77 और 112 से भाग दिया जाए, 63, 77 और 112 से भाग दिया जाए तो क्या क्या हो? क्रमशः 3, 5 और 4 शेष बच्चे। शेष कब बचेगा? तो जोड़ा तब ना शेष बचेगा। विकल्प क्या क्या दिया है? ए फॉर एप्पल 2, 4 माने 24, विकल्प बी 36, विकल्प सी 48, विकल्प डी 12। इसका बहुत ही आसान तरीका है, खूब ध्यान समझिए। शेष बचने की बात करो, सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, इसका मतलब उसका एससीएफ निकलेगा, मौसा निकलेगा। इसमें 3 घटा दीजिए, कितना आएगा? यहाँ शेष बचने की बात कर रहा हूँ ना, पहले घटा दीजिए 60, यहाँ कितना आएगा 72, यहाँ कितना आएगा? निम्नलिखित में किस संख्या से ये तीनों कट रहे हैं? तो पता चला ये काटेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे, ये 8 से नहीं कटेगा, विकल्प गलत। 36 को 9 चौके, ये भी ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, विकल्प ये भी गलत। 48 में 16 गुणे, ये 16 से कोई नहीं कटेगा। अब आते हैं 12, 4 गुणे, निम्नलिखित में से 4 से भी कट गया, 4 से भी 3 से चेक करते हैं, 8, 1, 9, 7, 2, 9, 6, इसका मतलब आपका विकल्प डी 12 सही है। अब लगाएंगे, डेढ़ पन्ने में लगने वाला प्रश्न है ये, डेढ़ पेज में सॉल्व होता है, लेकिन हमने आपको ऐसा जुगाड़ बताया कि आप क्या करें, आप प्रैक्टिस रहेगी तुरंत सॉल्व करेंगे कि भैया 24 हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, गणित में तुक्का कैसे लगाएं, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। ब्रजेश जी समझ में आया? ये आप किसी भी कोचिंग में भी आप देखेंगे, ये तरीका आपको मसाला नहीं मिलेगा। ये मसाला जब हमारी जब गणित बेसिक पढ़ेंगे तब ही समझ में आएगा, और जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में आना नहीं। अब उसके लिए आप क्लास ज्वाइन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए बेसिक पहले बताया था, कैसे कैसे मैं कर रहा था, सारा जुगाड़ बताया था कि मुझे पता था मैं वही जुगाड़ का प्रयोग आगे करूंगा, अगर वो जुगाड़ नहीं बताता तो हो नहीं पाता। कोई समस्या नहीं है ना आप लोग को? अगला प्रश्न क्या, ये क्या नंबर था? 8 नंबर प्रश्न था जी, नंबरिंग हम नहीं कर रहे हैं, हमारी गलती है। जिन्होंने नोट्स लिया होगा ऑनलाइन उन्होंने कहेंगे सर नंबरिंग तो नहीं कर रहे हैं। आप भी सीखते चलिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना उसके लिए 6306344367 और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए 7355179012। आगे देखते हम लोग, ये था 8 नंबर ना, मजा आ रहा है गणित लगाने में आप लोग को? एक खलता होगा, रोज होता तो कितना मजा आता, मतलब रोज क्लास चलते ही
ना, लेकिन मजबूरी का नाम सोनिया गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन। नौ, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो यदि 1475 3100 बोलते रहे, 55 25 200 55 से भाग देने पर समान दशा में शेष बचे। इसके लिए एक छोटा सा नियम पहले समझ लीजिएगा, जब इस तरह से 300 डिजिट दे दे और कह दे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो क्या करते हैं उसका सदैव पहले मिल बांट कर खाते हैं। क्या करेंगे? मिल बांट कर, मतलब मिल बांट कर मतलब सबसे पास, जिसके पास सबसे ज़्यादा रुपया है उसे, जो थोड़ा गरीब है उसको दे देते हैं, जो सबसे ज़्यादा अमीर है इसमें, सबसे अमीर कौन है इसमें? 25,255 माइनस 3100 कितना है, घटाते रहिएगा बताते रहेगा। उसके बाद उससे गरीब कौन है? अभी यहू गरीब है, इससे इससे गरीब तो यही है, नहीं यहू है, इससे गरीब दो, इससे भी बांट देते हैं। तो 25,255 माइनस 1400, लेकिन ये सबसे गरीब है, इससे अमीर कौन है? इसका भी पैसा इसको बांट दे, 3155 माइनस 1400। अब घटाना हमको नहीं है, जो घटाना आएगा उसका जो मैसा होगा वही आपका उत्तर होगा। क्या होगा? वही उसका उत्तर होगा। जरा विकल्प बोल दीजिए आप पहले, जल्दी जल्दी। अरे हाँ, 129 विकल्प ए, 119 विकल्प बी, 120। अच्छा भैया गड़बड़ा जाएगा उत्तर, 120 विकल्प सी, हाँ 420। ओहो चलिए, अब घटा के बताइएगा तब तो, हमको घटाना नहीं आता, आपको पता ही होगा कितना घटाने पाया भैया, नकल मारना पड़ता है। कहा तुम घटाना करिए, कैलकुलेटर मत यूज करिए, परीक्षा में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अब हमें ही घटाना पड़ेगा, 5 में से 5 गया, 1 किलो लड्डू, ऐसे घटाइए ना, ऐसे घटाया करिए, 22,100 यहाँ 125, 22,100 नीचे भी 23,729 हाँ 80 यहाँ यहाँ 80। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि इसमें से इसका जो SCF निकलेगा वही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो SCF होगा वही, तो उसका SCF में देखिए क्या क्या SCF होगा, एक लड्डू इसका, एक लड्डू इसका, एक लड्डू इसका, एक लड्डू कॉमन, माने जिसका इकाई जीरो होना तय, इकाई जीरो होना। अब बढ़ते दहाई की तरफ, ये हो जाएगा 12 हुआ 4 गुणे, ये 6 हो गया 2 गुणे, घटाएं सही है ना, हाँ ये हो जाएगा 7 गुणे 6 और हो जाएगा 7 गुणे, क्योंकि जीरो मैंने कॉमन कर लिया, सबका जीरो गैप कर दिया, मैंने एक लड्डू तो आपको पता है। अब इसमें से देखना है कि निम्नलिखित में से 4 से कौन कटेगा, 4 से ये अब नहीं कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि कायदा बनने से संख्या 4 से कटनी चाहिए, विकल्प ये गलत, ये 2 और 3 से कटेगा, 2 और 3 से कटने के लिए देखते हैं, 7 3 10 2 12, 2 2 4 1 5 3 से भी नहीं कटेगा, कट जो 3 और 2 से नहीं कटेगा तो 7 6 से भी नहीं कटेगा। अब आते हैं 7 7 से, देखते 7 से कटता है कि नहीं कटता, ये 7 से चेक करेंगे, 7 से कट जाए, क्योंकि इससे बनने वाली संख्या 1 घटाएंगे 0 तो 168 रह जाएगी, 7 2 9 14 7 4 28 कट गया, 3 अंक संख्या है 378 में 2 गया, क्योंकि हमें जानते हैं 378 माइनस तो 300, 7 से कटेगा, 7 5 35 नहीं कटेगा, 78 माइनस 2 7 से नहीं कटेगा, तब कौन से कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 3 अंक है 208 नहीं, कैलकुलेशन गलत हुआ क्या, घटाइए जाए एक बार और घटाइए आप लोग, देखिए सिर्फ विकल्प में थोड़ी सी गलती हो गई है जैसा कि अभी पता चला। अब क्या करेंगे, इसका जो SCF होगा वही उत्तर होगा, और अगर विकल्प सही होता तो कैसे लगता, ये देखिए इसका गुणनखंड 4 गुणे 3 2 गुणे 3 7 गुणे 6 माने 7 गुणे 2 गुणे 3
तो जो तीन से कटेगी और दो से कटेगी, वह इनसे इनसे भी कटेगी, तो यह संख्या तीनों तीन से कट रही कि नहीं? आठ से चौदह पंद्रह तीन से कट रही है, ऊपर देखते हैं, तीन दो पाँच सात बारह आठ बीस नहीं कटेगी, मतलब ये विकल्प, तो विकल्प एक ही बचता सत्तर, लेकिन ये विकल्प सही नहीं है, इसलिए नहीं सही है कि प्रश्न टाइप होते समय गलती होगी, वरना यह विकल्प सही होता, जो भी है गलत लग, तो इस प्रश्न का विकल्प गलत होना गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं अगर इस तरह से प्रश्न आता सी लगा देना चाहिए था आपको, आपने ठीक। आगे प्रश्न में चलते हैं, समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं, आगे बढ़े, आपको ट्रिक सिखाना है ट्रिक सीखते चलिए। अगला प्रश्न क्या है, सेम टाइप का प्रश्न है, देखिए सेम टाइप का प्रश्न है, यही टाइप का प्रश्न है, लेकिन हो सकता है इसका विकल्प सही दिया गया। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 63 माने 63 फिर 138 228 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे बड़ा कौन सा अमीर, 288 माइनस 129 288 माइनस 63 और 228 है 63 129 228 228 माइनस 129 228 माइनस 63 129 माइनस, अब घटाना बताइएगा, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक, 8 में से 3 गया 5, 165 और यहाँ विकल्प क्या है, इसका एचसीएफ निकालना है, अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे इसका एचसीएफ जो होगा वही इसका उत्तर होगा, विकल्प क्या क्या है, विकल्प ए 15 फिर 17 विकल्प बी 17 सी 19 डी 18 गुणनखंड करते हैं, ये देखते हैं जो 3 और 5 से कटेगा जो वो हो जाएगा 6 5 11 1 12 7 5 12 ये कट रहा है 3 और 5 दोनों से, इसे 17 से नहीं कटेगा, 17 से क्योंकि इसका गुणनखंड 17 गुणे 1 विकल्प गलत, 19 गलत, 18 में 9 गुणे 2 9 से कट रहा है 2 से ये दोनों नहीं कटा, इसका विकल्प ए 15 15 5 75 15 6 90 15 का 15 15 11 बार ये जाए, इसका विकल्प कौन सा है, ए 3 और 5 से कट रहा है सब, 17 19 और 18 से नहीं कट रहा, मैंने दिए गए विकल्पों से कटना चाहिए, या इसका एचसीएफ जो होगा इसका एचसीएफ क्या होगा, 15 होगा, कैसे होगा देखते हैं, 90 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 15 गुणे 6 165 करेंगे 11 गुणे 15 हाँ ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे 75 15 गुणे 5 तो कॉमन क्या हुआ 15 15 15 एचसीएफ क्या होगा 15, या तो ये विधि समझ में आ रही ना, अगर आपने नोट्स लिया होगा तो आपके पास नोट्स में होगा, घर पे एक बार और प्रैक्टिस करिए, घर पे पहुंचने के बाद एक बार और, चौथा नंबर है ये 10वां नंबर, हाँ इसके पहले वाला भी सही था लेकिन क्वेश्चन के विकल्प में गलती हो गई, और आप तुरंत कर लेते, इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करें दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहां से आप मिल जाएगी इलेनी दुर्गेश से, फेसबुक पेज ही इलेनी दुर्गेश, वहां से भी उपलब्ध हो जाएगा। ये हो गया, अगला प्रश्न क्या आगे बढ़ा जाए, क्या नंबर था ये 10, अच्छा 10 पहुंच गए, 11 आते हैं, अरे 11 बड़ा कठिन सवाल है, प्रश्न मिटा दे इसको, थोड़ा सा आदेश करिए जल्दी जल्दी आप लोग, ऑनलाइन क्लास नोट्स भी उपलब्ध हैं, और जौनपुर जनपद बनारस जनपद में यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। चार अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। विकल्प में आते हैं, विकल्प ए 9, 0, 9, 9 कितना जल्दी बोलिए यार 9, 9, 0, 1, विकल्प बी 98, 99, विकल्प सी 10, 81, डी
नॉन ऑफ दीज। आइए मुद्दे पे चलते हैं। अब देखिए प्रत्येक दशा में एक वैसे अगर लगाना होता हम लोग कैसे लगाते पता है, इसका एलसीएम निकालते, एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम प्राप्त होता, जो एलसीएम प्राप्त होता उसमें हम क्या करते भाग देते एलसीएम से, फिर जितना आता एक जोड़ देते। मतलब जब शेष बचने की बात करता है इसका मतलब उत्तर में एक जुड़ा है, सब में से पहले के घटा दे। ये कितना है यहाँ 10 क्या एक एक घटाएंगे, घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे 9, 9, 98, 98, 98 ये कितना हो जाएगा 10। अब कह रहा है 5 अंक की 4 अंक की बड़ी बड़ी संख्या। अब मामला है जो ये कितने से कटेगा 3 और देखते हैं कौन से 3 और 5 दोनों से कटेगा, तो पता चलिए 5 से नहीं कटेगा, विकल्प खत्म, विकल्प ये कटेगा और ये कटेगा, इनमें से बड़ा कौन सा है, 5 अंक की बड़ी 4 अंक की बड़ी 4 अंक की छोटी। अब इसमें देखते हैं 18 से कटेगा कि नहीं, जो 9 और 2 से कटे 9 और देखिए 9 और 18 कट गया, 2 से भी कटेगा, 12 से 4 और 3 से कटेगा 9 से भी कटेगा, 6 से भी, इसका मतलब विकल्प क्या है सही। अब लगाना नहीं है केवल समझना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का कैसे लगाएंगे, गणित में भी तुक्का लगता है, इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और गणित की इंडिविजुअल क्लास शुरू हो जाएगी सोमवार से, गणित की इंडिविजुअल, जिसको पढ़ना उसका मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं पढ़ना वो जौनपुर बनारस दोनों जगह होगी, ऑनलाइन भी चलेगी। तो कल का प्रश्न हम लोग आंसर में से एक घटा देंगे, आंसर से घटाएंगे क्योंकि जो उत्तर होता है जोड़ने पे, शेष मतलब अगर इसका एलसीएम निकालने के बाद उसमें एक जोड़ते इसका मतलब जो उत्तर है जिसका एलसीएम होगा उसमें एक कम होगा, हम उल्टा चल रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ। हम पूछ रहे खाना कैसे खाया जाता है, खाना बनता कैसे, दोनों अंतर है, खाने से पहले क्या होता है थाली में आता, थाली पहले कैसे आता है, और ऐसे बनता है पकता है तब थाली तक पहुंचता है, हम थाली चल रहे हैं, हम विकल्प से बढ़ रहे हैं, उत्तर से प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ये मूर्खों वाला तरीका है, लेकिन ये कम समय में ज्यादा स्कोर करने का तरीका है। बेशक आपका भी समय ज्यादा लग रहा हो, लेकिन जब मनन करेंगे, जब आराम से लगाएंगे तो वास्तविकता ही समझ में आ जाएगी कि गणित लगता कैसे। वैसे आपने बहुत सारा गणित पढ़ा होगा, लेकिन आपको भी हैरानी होगी कि ऐसी भी गणित पढ़ी जा सकती। इरेज करें, हाँ कोई समस्या वमस्या हो तो बताइएगा, नहीं है ना मिटाएं। मजबूरी है कि डिजिटल बोर्ड यहाँ नहीं है, वह प्रश्न आता रहता, सॉल्व करने का मजा ही कुछ और होता, गरीब खाना है। अगला प्रश्न क्या है, ये तो एकदम आसान है, 378 आम तथा 462 चीकू कुछ बालक और बालिकाओं में इस प्रकार बांटने हैं, एक बालक को जितने आम मिले उतने ही चीकू एक बालिका को मिले, बताइए फलों की अधिक से अधिक संख्या क्या होगी जो प्रत्येक बालक अथवा बालिका को मिलेंगे। तो क्या क्या है नंबर, 378, नंबर 2, 462, अधिक से अधिक बात कह दिया तभी वो फंस गया कह के, इसका क्या निकालना है आपको, 80। अरे बहुत तेज हो गया आप लोग, सही बता रहे हैं। अब देखेंगे जो इनसे विभाजित होगा वही इसका उत्तर होगा। ये किससे कटेगा भैया, 3×7, ये 6×7 नहीं 6×7 देखेंगे, अच्छा 6×3 2 से दोनों से कटेगा, 7 7 से। अब ये देखते हैं ये दोनों सम संख्या है, ये 78 है, ये देखिए 3 से कटेगा, 7 3 7 3 10 8, 6 4 10 2, ये दोनों विकल्प गलत, ये दोनों सही हो ही नहीं सकते क्योंकि 3 से नहीं कट रहे हैं। अब इसमें से कोई एक सही है, इसमें से कोई, ये पहला अगर सही है तो दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि ये है 3×2×3×, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा,
तीन से भी कटेगा, सात के लिए चेक कर लेते हैं, सात से जब ये कट रहा है कट रहा यही होगा, क्योंकि ये सम है, ये सम है, ये दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, अगर सात से कट गया विकल्प बयालीस सही, सात से चेक करते हैं, सात पच्चे पैंतीस दुई सात चौक अट्ठाईस, सात छंग बयालीस चार, सात छंग बयालीस चार कट गया, इसका उत्तर बी माने बयालीस। क्योंकि सम है दोनों, दो तो हो ही गया, इक्कीस से ही लगी रहा था, लेकिन ये दोनों पहले रिजेक्ट, तुक्का मारना आसान, सात तीन से कट ही गया, दो से भी कट रहा है, क्या नंबर था ये क्वेश्चन, बारह नंबर, देखन में छोटन लगा घाव करेगा, बात प्रश्न इतना बड़ा सा और उतना छोटा खाली 42। बाकी आप लगाएंगे क्या, छोड़ दिया घर के लिए, हाँ क्या नंबर पहुंचे, 15 नंबर तक पहुंच जाए, 20 नंबर तक, अच्छा पूरा करा है, देखिए ये होता है स्टेम ना, मतलब अगर हम कह रहे नहीं 15 कर करें, नहीं पूरा करेंगे, तब मतलब सोचने की बात, आगे बढ़े। अब कह रहा है कि एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को, अपने सैनिक को 12 15 18 और 20 की पंक्तियों में खड़ा करना चाहता है, यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिकों को होना आवश्यक हो। भैया ठोस वर्ग की बात कर दी है, प्रश्न तो ऐसा लग रहा है परीक्षा में आएगा, पगला जाएगा, इसमें लस लगेगा मस लगेगा क्या लगेगा, तो है क्या 12 15 18 और 20। प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, एक सेनाधिकारी अपने सैनिकों को 12 15 18 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है, यदि वह यह भी चाहता है कि सेना की जो ठोस वर्ग के रूप में हो, मतलब ठोस वर्ग के रूप में, तो कम से कम कितने सैनिकों की होने की आवश्यकता है, माने जो सैनिक हो वर्गाकार वर्ग रूप में हो, तो वर्ग घन तो हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं पढ़े, कहे इल्जाम लगा देते हैं, चलिए विकल्प बोलिए, अच्छा तब विकल्प बोलिए, 180 विकल्प बी, 360 सी, 900। अब कह रहा है पूर्ण वर्ग में होना चाहिए, तो हमें जानते हैं 180 पूर्ण वर्ग नहीं, 360 पूर्ण वर्ग नहीं, एक पूर्ण वर्ग नहीं तो बचा, ये पूर्ण वर्ग विकल्प सही, सर कहीं से हमको विकल्प पूर्ण वर्ग याद है, क्या है वर्ग याद है, दूसरा तरीका वह 9 और 2 दोनों से कटना चाहिए, 9 और 18 से, तो देख रहे हैं कि सभी कट रहे हैं, लेकिन वर्ग संख्या कौन सी है, इसका तरीका, तरीका तो पूर्ण वर्ग के लिए फिर बताना पड़ेगा, कैसे हम पकड़ लेते हैं, इसका दोनों का जीरो निकल गया और 9 का वर्ग मूल 3, इसलिए 900 पूर्ण वर्ग संख्या। कैसे सेकंड लगा, कहा ये दोनों वर्ग है नहीं है बचा, ये वर्ग है बात खत्म, 3 सेकंड, 3 सेकंड लगा बस। अब कहेंगे वर्ग, आपको वर्ग याद करना है, 1 से लेके 50 तक, गणित और आसान करनी है हमारी, 1 से लेके 50 तक वर्ग रट्टा मारिए, अभी और मजा आएगा आगे, और 20 तक तक कम से कम घन याद करिए, 21 का 9261 होगा, हम याद किए तभी गणित आसान होगी, वरना आसान कितनी नहीं है गणित, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा आप 30 में 30 प्राप्त कर सकते, नहीं तो 25 तो दाग नहीं है, यही है जिसके लिए समस्या सबको ज्यादा होती है। इन्होंने पूछा वो तो आगे आगे बढ़ा जाए, एक नंबर था 13 नंबर था ना, अब 14 नंबर बढ़ते हैं, अब 14 नंबर हम ये कोई नहीं कह सकता कि हम सर नहीं पढ़ाए हैं, 4 घंटिया क्रम से 6 8 12 और 18 सेकंड पर बजती हैं, यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करे तो कम से कम कितने सेकंड बाद अगली बार बजेंगी, तो विकल्प है पहला 1 घंटा 1 मिनट
एक मिनट 15 सेकंड है ना, तो ऐसे हम लिख देते हैं इसको, बी है 1 मिनट 12 सेकंड, 15 सेकंड, बी क्या है 1 मिनट 12 सेकंड, सी है 1 मिनट 20 सेकंड, सी है 1 मिनट 20 सेकंड, ओके 1 मिनट 20 सेकंड, डी है 1 मिनट 40 सेकंड, और डी है 1 मिनट 40 सेकंड, तरीका थोड़ा अपने हिसाब से लिख दिया प्रश्न। अब 2, 8, 12 जो इसका एलसीएम होता है वैसे कटता है, अगर इसको सेकंड में बदलें कितना हो जाएगा 75 सेकंड, ये हो जाएगा 72 सेकंड, ये हो जाएगा, अच्छा इसे लिखते विकल्प ए जो होगा वो होगा क्या सेकंड 75, बी होगा 72 सेकंड, सी होगा 80 सेकंड, डी होगा 100 सेकंड, सेकंड हो गया। अब इससे ये कटना चाहिए, हमने देखा 18 से कटने के लिए 9 और 2 से कटना जरूरी है, 7, 5, 7, 2, 9, 8, 100 सही। अब लगाइएगा देखिए उत्तर यही आएगा, इसका जो एलसीएम होगा वो 72 सेकंड होगा, अर्थात 1 मिनट 12 सेकंड, तुरंत लगेगा, तुरंत बता रहे हैं बिना सॉल्व किए, तुक्का लगाना आसान है, वास्तविकता में आसान है, एक बार प्रयास करिए, इसके नोट्स को ले जाइए और घर पे सॉल्व करिए, आपको भी लगेगा वास्तव में गणित में तुक्का लगाया जा सकता है। क्या सर जी लोग मजा आ रहा है, अभी हर अध्याय को जैसे सॉल्व करेंगे तुक्का लगाएंगे। कोई समस्या आप, हाँ 2 दिन के बाद, अब 15वां क्या है, अब 15 का मुझे बताना पड़ जाएगा, तो फिर इसको साफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, शेयर भी कर दीजिए अगर आपको लगे सही है तो। छह घंटे 7 बजना प्रारंभ विधि 1 घंटे क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड अंतराल बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा इसका जो एलसीएम प्राप्त होगा वो 120 प्राप्त होगा, 120 सेकेंड, इसे मिनट में बदलेंगे तो 2 माने 2 मिनट के अंतराल में घंटियां, कह रहा 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो भैया 30 मिनट में 30/2 + 1 16 बार बजेंगी, क्यों, क्योंकि अगर कहता 4 मिनट कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी 4 मिनट में, 3 बार बजेंगी, कैसे, पहली बार बज गया 2 मिनट बाद फिर बजा, फिर तो 4 मिनट में 3 बार बजेंगी, कैसे 4/2 + 1, तो प्लस 1 वहीं से आया, ये पहली बार बजी, कह रहा 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 0 मिनट में बज गई, एक साथ बजेंगी तभी अगली बार नंबर आएगा, तो कुल कितनी बार 16 बार बजे। कुछ लोग कल लगाएंगे तुरंत 15 लगाएंगे भी कल, अरे 15 2 मिनट बजी है 30 मिनट बजना है 15 बार बजेगी, लेकिन 16 बार बजेगी, हाँ एक हाँ शुरुआत बजी तब ना बजना शुरू हुआ, अब टन से लगा तब ना आगे लगाएंगे, अब पीरियड शुरुआत होती पहले टन से 1 घंटी लगेगी तब तो शुरू होगी, 4 से 8 फिर 1 घंटी लगती है, फिर लगती पहला घंटी भूलेंगे थोड़ी, वो भी तो घंटी लगी वही है। 15 प्रश्न आपके लग गए, अब आगे बताएं आप, बस से नहीं जाएंगे सोचे ट्रेन से चले जाए, अच्छा आप लोग बस से जाना है, 15 हुआ अभी, अच्छा 15 लगा के आइएगा आप, अच्छा अगला प्रश्न देखिए कितना सरल है, कह रहा है ना देखिए ध्यान से 16, ये तो बहुत सरल है यार, तो मतलब ये तो तुम चुटकियों में लगाना शुरू कर देंगे आप, आपको ये भी पता हो धीरे धीरे मस्तर भी टफ किए हैं प्रश्न का, जो जो आप आगे बढ़े स्तर भी,
कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है जो 17 का गुणज हो तथा यदि उसे 2, 3, 4, 5, 6, 8 से भाग दे प्रतिसामयिक से बचे कितना हो। पहली बात तो 17 का गुणज हो, 17 गुणे x माने 17 से कटता हो। फिर क्या कह रहा है, वह 2, 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक से बचे मान उसमें एक जोड़ा गया है। विकल्प क्या क्या है, ए 121, बी फॉर बॉल 1921, सी फॉर कुत्तिया का बिल्ली 361, डी फॉर कुकुर, कुकुरा कहते हैं संस्कृत में, एक जोड़ा गया है मैंने एक सबसे घटा दे, ये कितना हो जाएगा तब 100, ये कितना 1900, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा, कह रहा 17 गुड़े जो 17 से ये नहीं कटेगा, 17 का से ये देखिए 17 कटेगा नहीं कटेगा, बचा बी और अब 5 से कटना भी चाहिए तो 5 से ये नहीं कटेगा, बचा क्या जो विकल्प बचता वैसे ही होता, समझ में आया, खाली काटते चले गए, समझ में आया, झूठा यहां मत करिएगा। हम 5 से चेक करें इसका इकाई अंक 0 होगा वही 5 से नहीं कटेगा या 5 हो तो इसका नहीं है। अब चेक कर लिए 17 कटेगा, 17 का 17 दो ही बचा ना 22 हो जाएगा, 17 नहीं कटा। अच्छा ये भी 17 से नहीं कट रहा है हाँ, लेकिन इनसे सभी से कट रहा है, 8 से कट रहा है, देखिए 8 एक का 8, 8 एक का 8 कट जा रहा है, मतलब अगर 17 गुणे से विकल्प में हो सकता है फिर गलती किया हो संभवतः, और नहीं गलती है तो आपका विकल्प भी सही होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इनसे भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है 9, 9, 2, 11, 1, 12, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से भी, तो 17 को 1921 से कटाएंगे ना, हाँ 20 से, अच्छा 1921 से कटाएंगे, सॉरी 1921 कट रहा है, तब सही है, तब आपका विकल्प सही है 1921 सॉरी। कैसे सेकंड लगा, समझ में आ रहा है, ये यही असली गणित है, यही हमारी पहचान है जिसकी वजह से आप सब यहाँ तक आए हैं, और कोई पहचान नहीं है। अरे किताबों में ये आपकी प्रैक्टिस पर है, 2 संख्या का लघुत्तम 144, महत्तम 8 तो एक संख्या 16 है, तरी बप्पर बप्पर ये तो लग जाएगा, मिटाए इसको, अब देखिए आसान होता जा रहा है, हम जानते हैं मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे, अब ये कह रहा है कि ये 2 संख्याओं का लस 144 मस 8 वलल 144 गुणे 8 बराबर एक संख्या 16 संख्या 16 का 16 16 9 9 8 उत्तर 72, ये पढ़ाए हम, अरे मैसा गुड़े लसा गुड़े बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, एक आदमी कोई गोल भी हो गया था क्या, कुछ लोग कोई गोल हो गया था क्या, एक दिन गायब हुआ था कोई, हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, त्योहार था क्या कोई, अच्छा 2 संख्याओं को मैसा था लस इतना है, यदि प्रत्येक संख्या 2 से भाग देने भाग, ये भी तो लग जाएगा, देखते हैं मिटाते हैं, ये क्या नंबर था ऊपर वाला 17 नंबर प्रश्न था, 17 नंबर था भैया, आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का मस तथा लस 44 और 64 हो, प्रथम संख्या से 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता, माने 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता हो, माने देखिए 2 से भाग दिया यहाँ x है ये 44 है, इसका गुणा इसमें करेंगे संख्या प्राप्त हो जाएगी, मैं लिख दिया 44 है 44 कट गया, 2 से 64 काटेंगे 32 x बराबर, अक्ल बड़ी की गदही, थोड़ा सा हाँ बगल नहीं है क्या 32,
हाँ अच्छा जो 132 है 32 है वो गलती से टाइप हो गया है 132 विकल्प थोड़ा सा उसको कर लीजिएगा 32 कैसे है पर हम आपको पुनः समझा दें। कह रहे दो संख्याओं का लस और मैस क्रमशः 44 और पहली संख्या दो का भागफल देने पर दो से भाग देने पर 44 प्राप्त होती है। अगर अगर आपको ये निकालना होता भाज्य बराबर भाजक गुणे प्लस शेषफल है ही नहीं है कुछ इन दोनों गुणा करेंगे कितना दो गुणे 44 या 88 डायरेक्ट हो गई तो पहली संख्या क्या निकलेगी 88 गुणे तो 44 से कट 44 दुना दो से काटेंगे तो 32 तो x बराबर दूसरी संख्या क्या है 32। अच्छा 32 का अच्छा 32 हाँ कुछ गलती हो रही है क्या सही है। देखिए ये संख्याएं हैं अगर इसका लसा कितना है अगर लसा कितना है इसका कितना है कितनी है 64 है लसा 64 है इन दोनों का लसा 64 पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है उत्तर कुछ गलत आ रहा है। अब ये प्रश्न लगेगा विकल्प से अब हम विकल्प का सहारा लेंगे हमारा उत्तर तो अगर प्रश्न में अगर उत्तर होता 32 तो 32 सही था। अब हम आते हैं सवाल पे सवाल के विकल्प विकल्प क्या क्या दिया है 33 ए क्या है 33 बी 66 सी 132 डी 264 हम देखेंगे इस 32 का गुणज कौन कौन सा है ये नहीं है ये नहीं है ये है देखिए 32 का गुणज 132 अगर ये दूसरी संख्या हो गई पहली संख्या 44 तो अब 44 अगर इसका क्या एमएस है तो ये भी 44 कटेगी और ये भी 44 कटेगी ये 44 कटेगी 88 और ये भी कट जाएगा 4 3 12 इसका मैसा हो गया और लसा इसका क्या होगा लसा कितना दिया है 64 नहीं आएगा 32 और 44 हमें लगता है यहाँ पे ये 264 था क्या यहाँ पे 264 एक सेकंड रुक जाइए हम देख चेक कर लेते हैं। प्रश्न में गलती क्या थी कि दो संख्याओं का मैसा 44 और लैसा 264 होगा क्या होगा लैसा 264 प्रश्न को सुधार कर लिए दोबारा लगा रहे हैं प्रश्न ही गलत टाइप हुआ है यदि दो संख्याओं का मैसा 44 हो तथा लैस कितना हो एक 264 जगह 264 हो यदि पहली संख्या से भाग दो से भाग दे 44 है 2 × 44 दूसरी संख्या क्या होगी x होगी 44 कट गया दो से काटेंगे तो 132 तो x बराबर 100 प्रश्न में गलत था मतलब टाइप करने वाला टाइप जिसने टाइप किया उसने गलती कर दिया था ठीक है अब लगा लीजिएगा आप लोग वो 264 था क्योंकि उसका एचसीएफ कभी आएगा ही नहीं संख्याओं का अब इन दोनों का एचसीएफ भी और एलसीएम आएगा 264 एलसीएम और एचसीएफ आएगा 44 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इतना समय आपने दिया चलेंगे घर को आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा ऑनलाइन क्लास और नोट्स आपके लिए उपलब्ध है गणित में तुक्का कैसा लगा कि पहली सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं और हाँ एक आध जगह त्रुटि हो गई टाइप करने में क्योंकि प्रश्न को टाइप कराया गया है और हमने चेक नहीं किया हम सोचे चेक डायरेक्ट क्लास में ही हो जाएगा क्योंकि हमने मेथड पढ़ा दिया और उनसे पढ़ा लिया जाएगा और ऑनलाइन क्लास और नोट्स आप सभी के लिए उपलब्ध है ठीक अगर बेहतर लगे तो शेयर कर दीजिएगा और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो नोट्स ज्वाइन करनी हो अगर आप वाराणसी जनपद या जयपुर जनपद के आसपास हैं और हमारी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो भी आपका मोस्ट वेलकम है बेस्ट ऑफ लक। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा सर्च करिए दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए साथ ही साथ दिए गए नंबर पर आप कॉल कर जानकारी ले सकते हैं ठीक है।